रशीद, तुमने अपने मम्मी पापा को होटल में ठहरवाया है? जी आंटी, इनफैक्ट मैं भी उसी होटल में चेक इन करने वाली हूँ। हमारा घर रेनोवेट हो रहा है ना, इसलिए। अरे लेकिन हमारा इतना बड़ा घर है तो तुम लोगों को होटल में रहने की क्या जरूरत है? आंटी दरअसल अभी तक शादी नहीं हुई है तो हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? अरे उर्वशी, अब तो हम रिश्तेदार होने जा रहे हैं, तो अच्छा थोड़ी ना लगता है कि तुम लोग होटल में रहोगे। देखो मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को फोन करके बोल दिया है, और तुम भी अपना सामान लेकर यहीं शिफ्ट हो जाओ। हाँ थैंक यू। और अगर तुम यहाँ रहोगी तो आदि के साथ कुछ वक्त बिता पाओगी और तुम दोनों की दोस्ती भी हो जाएगी, है ना? क्यों आदि? हाँ ऑफकोर्स, यहाँ रहूंगी तो मुझे आदि के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। सर मैं पिया, परी की माँ, आपने अर्जेंट आने को कहा। आई एम सॉरी, आपको बीच रास्ते से ही वापस आना पड़ा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी हो गई थी कि। क्या हुआ सर, परी ने कोई गलती की? गलती नहीं, मारपीट की। हा? वो भी अपने सीनियर्स के साथ। मारपीट? परी? जरा उन बच्चों और उनके पेरेंट्स को भेजना ना। देखो जरा क्या हालत की इन बच्चों की। ये सब परी ने किया? यस। परी बेटा, परी बेटा, इन लोगों को आपने मारा? आंटी झूठ बोल रही है। नहीं मामा, मैं सच बोल रही हूँ। सर मुझे लगता है कोई गलत फहमी हुई है। आज परी का स्कूल में फर्स्ट डे है, वो किसी को जानती भी नहीं है, भला वो इतने बड़े बच्चों को क्यों मारेगी? आंटी इसको गुस्सा आ गया था क्योंकि हमने उसकी दोनों चोटियां रेलिंग से बांध दी थी। What? Sorry, sir. I'll speak to you all later. अभी आप लोग बाहर वेट कीजिए। सर मुझे लगता है इस डर से कि कहीं परी इन लोगों की कंप्लेन ना कर दे, ये लोग यहाँ परी को ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। वरना आप ही सोचिए, परी इतनी छोटी है, फिर इतने बड़े बच्चों को क्यों मारेगी? परी, आपने मम्मा को या सर को कुछ क्यों नहीं बताया? मम्मा, आपने ही तो कहा था कि स्कूल में झगड़ा मत करना। गुड गर्ल। आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि शुरुआत उन बच्चों ने की थी। आपको खामखां ही तकलीफ हुई। नो प्रॉब्लम सर। लग गई? हाँ। ये लाल वाली लगा दे उसके बाद। हाँ। यहाँ से शुरू करूँ? हाँ वहां से करूँ, अच्छी लगेगी। इतनी सारी लाइट्स, कोई फंक्शन है? हाँ वो त्योहार शुरू होने वाले हैं ना, तो हाँ देखो ना, अभी गणपति, फिर नवरात्रि, फिर दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, अब तो त्योहारों की लाइन लगने वाली है। अरे टेरेस पे कौन लगा रहा है लाइट्स? अंश लगा रहा है। आदि, आप थक गए होंगे, मैं उर्वशी आंटी को बुला लेता हूँ, वो हमारी हेल्प कर देगी। नो पापा नो, मैं कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज आप उन्हें मत बुलाना। आपका चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आप उर्वशी आंटी से बहुत डरते हैं। हाँ पापा, आई मीन वो थोड़ी डिफरेंट है। आदि, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं और मैं आपको अभी भी बताता हूँ कि उर्वशी आंटी वो बुरी नहीं है। मैं उन्हें बुरी नहीं कह रहा हूँ, बस आप उन्हें यहाँ मत बुलाओ प्लीज पापा। पापा हर साल लाइट हम ही लगाता है ना, तो इस बार भी हम ही लगाएंगे। ओके। आदि ब्लू वाली लाइट देना। पापा ब्लू वाली लाइट खत्म हो गई।
अंदर होगी, मैं लेकर आता हूं। मैं लगा देती हूँ, बालकनी में लगाना है ना? हाँ, लेकिन तुम रहने दो, मुझे हेल्प करने दो ना अंश। बात वो नहीं है, एक्चुअली आदि अभी भी वही है और वो तुम्हारे साथ उतना कंफर्टेबल नहीं है। मेरी समझ में ये नहीं आता अंश, एक तरफ आंटी और तुम कहते हो कि मुझे आदि का दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए, दूसरी तरफ तुम मुझे उसके पास भी नहीं जाने देते। ऐसे में तो आदि मुझसे और नफरत करेगा ही ना। अगर आदि को मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो मेरा इस घर में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं काम करती हूँ, मैं किसी होटल में चेक इन कर लेती हूँ। उर्वशी, ऐसी बात नहीं है, प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम भी तो समझने की कोशिश करो ना अंश, यही तो सारे मौके होते हैं बच्चों का दिल जीतने के। प्लीज लेट मी गो ना। मिसेस जी, सनम जी नहीं, अच्छा दिलरुबा जी, खुश? वैसे हम ना आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सरप्राइज लेके आए हैं। सरप्राइज? दिलरुबा को सरप्राइज बहुत पसंद है, बताइए ना क्या है। अब यार सरप्राइज अगर हम बता देंगे तो सरप्राइज कैसे रहेगा? हाँ ये भी है। चलिए हमें ही गेस करने दीजिए। इमली? नहीं नहीं नहीं, गहने? ऋतिक रोशन? ऐसा है, रहने दीजिए, आप अपने आंख से खुद चल के देखिए हमारे साथ की सरप्राइज क्या है। हाँ। आंख बंद करके। ओके। एक मिनट, हम खुद अपने हाथों से बंद करेंगे आपकी आंखों को और देखिएगा अपना सरप्राइज, ठीक है? चलो। सरप्राइज 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 सरप्राइज। हाँ हाँ हाँ, जल्दी खोलो जल्दी खोलो। खोले खोले खोले, हमसे इंतजार नहीं हो रहा है। रखिए थोड़ा सा, ये लीजिए। ये कौन है? आप इनको नहीं पहचानी? अरे भाई, यही तो है आपकी असली मोहब्बत, आपका ट्रू लव। अरे तुम्हारी मोहब्बत ऋतिक द रोशन। बोले नीचे, ऋतिक रोशन ये? अरे तो यही है ना। अरे भाई तुम बोलो ना कि तुम ऋतिक रोशन, तुम ऋतिक रोशन हो? नहीं नहीं, कहो कि मैं ऋतिक रोशन हूं। मैं? तुम भी ऋतिक रोशन हो? अरे यार हमारा माथा खराब हो जाएगा, समझ गई? दोनों पहले चुप रहो, और दिलरुबा जी आप भी, हमको बोलने दो। सुनो भाई, तुम कहो कि तुम ऋतिक रोशन हो, तुम कौन हो? ऋतिक रोशन। हाँ, यकीन हुआ आपको? यही है वन एंड ओनली ओरिजिनल पीस, मास्टरपीस ऋतिक द रोशन। तुम दिलरुबा को बेवकूफ बना रहे हो, ये ऋतिक रोशन नहीं है। इसे कहो ऋतिक रोशन की तरह नाच के दिखाए। लेकिन डांस की तो बात ही नहीं हुई थी। हाँ हाँ पता है हमको। सुनिए सुनिए दिलरुबा जी, ऐसा है कि आपको पता है कि ये स्टार है ऋतिक रोशन, और एक दो रुपए की बात थोड़ी ना है, इनके बहुत नखरे होते हैं भाई। आप नाचने के लिए कह रही हैं, करोड़ों रुपए लग जाएंगे, पता ही आपको, पैर हिलाते हैं तो कितना पैसा मांग लेते हैं ये। हम नहीं मानते, अगर ये ऋतिक रोशन है तो डांस करके दिखाने बोलो, ऐसा वाला। तेरें तेरें, तेरें तेरें, तेरें तेरें। अरे हम कह रहे हैं आपसे, ये असली वाले ऋतिक रोशन है, द सन ऑफ राकेश द रोशन। अभी राकेश रोशन कौन है? अरे इनके जो मतलब। अरे बकवास बंद करो, इसे डांस करने बोलो। अब अगर इसे डांस नहीं किया ना तो हम सबको कच्चा जमा जाएंगे। नहीं भाई, कच्चा जमाने की जरूरत नहीं है, हम समझाते हैं, नाचेंगे वो, बिल्कुल नाचेंगे। दो मिनट रुको, शांति रहो शांति रहो। सुनो भाई साहब, ऐसा है बाबू की, थोड़ा सा नाच दो यार, थोड़ा सा। डांस की तो बात ही नहीं थी यार। देखो हल्के में मत लो उसके मजाक को, समझ गए?
पगला बैताल की तरह कच्चा चबा जाएगी। हम कह रहे हैं नाच दो, नाचने में क्या जाता है, थोड़ा सा अगर कमर लचका दोगे तो कौन सा तुम्हारा हड्डी खसक जाएगी। कुछ भी चल रहा है? बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, हम गाना सुनते हैं, गाना गाना गुन गुन नाच ले मेरे भाई। नाच के सुख रहा यार, हम देते हैं ना तुमको, सपोर्ट करते हैं, हम यहाँ से सुर देंगे तुमको। आओ हम आज लग रहा हम नहीं बचने वाले हैं। तो तुझे कहा किसने था इस फर्जी ऋतिक रोशन को पकड़ के लिया? अब भुगत। अरे तो को कहा पता था? ये तो सचमुच हमारे ऋतिक रोशन की तरह डांस करता है। यही है हमारा ऋतिक रोशन, हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत। अम्मा अम्मा, ये तो बेवकूफ की खाला निकली। इस ससुरे को हम उठा के लेके आए थे गली से फर्जी ऋतिक रोशन बना करके, इसको असली समझ लिए। बेवकूफ, अपनी जान तो बची ना, नाचने दे। अब दिलरुबा अपने दिलबर को साथ लेके जाएगी। अरे अरे भाई, भैया बचा, अरे भैया बचाइए, अरे भैया बचाइए हमको। अबे गजब जमाना आ गया यार अम्मा, शौहर यहाँ खड़ा है और पराए मर्द के साथ निकल गई। तू अपने दुखड़े रोने बंद कर, अरे उस बेचारे के बारे में सोच जिसे तेरी वो चुड़ैल पकड़ के ले गई। तो अम्मा अब हम क्या करें? छत पे चढ़ के नाच। अरे अम्मा तुम भी ना कुछ भी बोलने लगती हो, सच बता रहे हैं, यहाँ हमारा माथा पिराने लगा है।